हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता की पाकशाला। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो आज मैं आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल तरीके से बनी मिठाई, जिसे घेवर के नाम से जाना जाता है, उसे बड़े ही आसान तरीके से और कम इंग्रेडिएंट से आपको घर पर बनाना बताऊंगी। तो देर किस बात की, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इस मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ रबड़ी बना लेते हैं, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो एक कढ़ाई ली और उसमें आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाला। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा सी रबड़ी बनानी है तो उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जब उबाल आ जाए तो उसको स्लो कर देंगे और जो है दूध है उसको हमेशा चलाते रहो, क्योंकि नीचे से लग ना जाए, ताकि स्मेल जो है वो ख़राब आने लगेगी हमारी रबड़ी में। अब आधा कप यहाँ पे पाउडर दूध लिया, और जो दूध गर्म कर रहे थे उसी में से 2-3 टीस्पून हमने दूध लिया और ये पाउडर के दूध को घोल लिया, ताकि लम्स ना आए, और इस दूध में मिला देंगे। थोड़ा सा दूध गाढ़ा और हो जाएगा। मैंने पहले की वीडियो में भी काफ़ी बार रबड़ी बनाई है, तो आप कभी आपको दिक्कत आए तो मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, तो उसमें रबड़ी के प्रोसेस मैंने दिया है। तो हमने सारा जो दूध है उसमें डाल दिया और लगातार चलाते हुए रबड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए चारों तरफ मलाई लग जा रही है, उसको लगे रहने देंगे, बाद में हम उसको हटाएंगे चम्मच की मदद से। अब और भी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें हमने आधा कप फ्रेश क्रीम लिया, लगातार चलाते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे करके जो ये रबड़ी है वो हमारी बढ़िया तरीके से तैयार हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा और भी अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने 6-7 थ्रेड्स इसके केसर के डाले, और 1 चम्मच इस इलायची पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची दाना भी डाल सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी ये रबड़ी। तो आप इधर जब तक रबड़ी पक रही है तो हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने एक पैन चढ़ाया, और 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, रेशियो 1:2 रहेगा। आप जो चाशनी है उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे चीनी के घुलने तक। अब इधर रबड़ी है वो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर डालेंगे। रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती है, तो ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बनके रेडी हो गई है। तो जो साइड में मलाई जम गई थी ना, उसको चम्मच से हमने धीरे धीरे करके निकाला, तो ये देखिए लच्छेदार रबड़ी बनके रेडी हो गई है। तो कुछ बातें ध्यान रखें, अगर रबड़ी बनाई जाए तो बहुत टेस्टी बनेगी। फ्लेम जो है वो स्लो रहेगी, और लगातार चलाते रहने से रबड़ी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये जो चाशनी है उसमें जो चीनी है वो घुल गई है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, ताकि बाद में जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो और जमे ना। फ्लेम को स्लो करके 2 मिनट में चाशनी आराम से बन जाएगी, और इस जो चाशनी है वो 1 तार की बनेगी। तो इधर रबड़ी ठंडी हो गई है, उसको हमने बाउल में सर्व किया। तो ये देखिए वाव वाली रबड़ी बन के रेडी हो गई है ना। और अब बारी आती है चाशनी को चेक करने की। तो ये हमने हाथ में थोड़ा सा लिया और देखा कि ये तार नहीं बना है अभी, तो थोड़ी देर और चढ़ा देंगे। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। पतली हो जाएगी तो घेवर में ऊपर डालेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमारी चाशनी और रबड़ी बन के तैयार हो गई। तो अब घेवर बनाने की बारी है, तो थोड़ी सी ट्रिकी है, देखिएगा। हमने यहाँ 4 टीस्पून हमने देसी घी लिया, और 6-7 आइस क्यूब, और इसको हमने ग्राइंड कर दिया। तो पहले हाथ से बनाते थे तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था, अब इजी तरीके से हम इसको मिक्सी में बना सकते हैं। तो अब इसमें चिल्ड दूध डलेगा, 1/2 से ज़्यादा कप दूध, उसको ग्राइंड किया। तो ये देखिए स्मूथ थोड़ा सा टेक्सचर हो गया इसका। अब इसमें 1 कप मैदा लगेगी, तो मैदा को लेकिन हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। और जो बैटर है वो हमारा हमेशा चिल्ड रहेगा, जितना चिल्ड रहेगा उतनी अच्छी जाली पड़ेगी, क्योंकि जो घी है वो ज़्यादा ही गर्म रखना है हमें। तो अब यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके मैदा डाला, और अभी तो दूध डाला था, अब हम बाद में बैटर को थोड़े से पानी से पतला करेंगे। तो अभी गाढ़ा है हमारा बैटर,
जितनी सारी मैदा थी अब हम एक साथ डाल देंगे सब। अब उसमें एक ग्लास चिल्ड वाटर जाएगा। तो जो बैटर को मैंने पहले भी आपको बताया था ठंडा ही रखना है। तो ये देखिए इतना स्मूथ और इसमें लम्स एकदम नहीं रहना चाहिए। जितना बैटर स्मूथ बनेगा उतना अच्छा आपका ये घेवर बनेगा। और इसमें एक कप मैदा में हमने एक चम्मच बेसन डाला और एक से थोड़ा सा ज़्यादा नींबू का रस, क्योंकि ये थोड़ा हलवाइयों वाली ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो अच्छा सा इसमें टेक्सचर आएगा। और थोड़ा सा पानी और डाला तो इस सारे बैटर को डालने में हमें डेढ़ ग्लास के करीब पानी गया, देखिए, क्योंकि बैटर जो है वो पतला ही होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से होगी। तो ये देखिए आप इस तरीके से ही फॉलो कीजिएगा तब आपका अच्छा सा घेवर है वो बनेगा। अब इसको एक बॉल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हमने आइस क्यूब और पानी डाल के रखा और ऊपर से हमने एक बॉल में पूरा बैटर उसको डाला ताकि वो नीचे से ठंडा बना रहे, गर्म नहीं होना चाहिए बैटर। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपको तुरंत नहीं बनाना है तो। इस तरीके से हमारा ये घोल बनके तैयार हो गया। और अब ये बिना मॉल्ट के हम घेवर बनाएंगे। तो आप या तो फ्राई पैन या भगोने में किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है और उसको चढ़ा दिया गैस पे और हमने यहाँ पे आधा लीटर के करीब देसी घी लिया है। देसी घी में ही मिठाई बने तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पे हम बैटर को डालने के लिए एक सॉस की बॉटल ली है क्योंकि न्यू बिगनर्स इससे आराम से बना सकते हैं। वैसे तो आप चमचे की मदद से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टोमेटो सॉस की बॉटल उसको भर ली है और इसको भी थोड़ा सा ठंडा रखेंगे। तो एक हमने डब्बे में आइस और वाटर डाल के इसको इसी में रख दिया ताकि ये जो बैटर है वो हमेशा ठंडा बना रहे। और अब इधर ये जो घी है वो खूब हाई फ्लेम पर रहना है और उसको हाई हीट देना है। और ये जो बैटर है उसको हम ऊपर से डालते जाएंगे और जो फ्लेम है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तेज रहेगा। और धीरे धीरे करके हम जैसी झाग ख़त्म हो जाएगा फिर से बैटर डालेंगे। ऐसे करते करते हम 10 से 12 बार बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी घी निकल जाता है, इसलिए आप जो घी का लेवल है वो 3/4 रखिएगा। तो जो बैटर है वो बहुत चिल रहना चाहिए और घी है वो ज़्यादा गर्म, इससे जो जाली है बहुत अच्छी बनेगी। ये भी ट्रिक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम होल बनाएंगे किसी भी स्पैचुला की मदद से कि उसमें बैटर और भी डालेंगे। तो इस तरीके से हम 11 से 12 बार बैटर डाल देंगे। तो आपको जितना थिक रखना है उतना आप डाल सकते हैं, तो ये आपके चॉइस पे है। और अब थोड़ा सा और उसका शेप देने के लिए साइड से भी हम जो बैटर है उसको डालेंगे। तो थोड़े आराम से ही इसको डालना क्योंकि थोड़ा जलने के चांसेस रहते हैं। और स्पैचुला या पीछे किसी भी स्पून की मदद से उसको नीचे से किनारों से निकालते हुए थोड़ा सा दबाएंगे ताकि पूरा जो घेवर है वो फ्राई हो जाए अच्छे से। और अब बीच से आप धीरे से करके निकालेंगे, उठाएंगे तो ये देखिए कितना जालीदार घेवर बनके रेडी हो गया है। और अब उसको एक स्टेनर में रख देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत भी घी हो वो आपका स्टेन हो जाए। और आप प्लेट में रख देंगे तो वाओ ये देखिए कितना अच्छा यमी घेवर बनके रेडी हो गया। और अब इसी तरीके से दूसरा तीसरा चौथा जितना आप चाहें घेवर बना सकते हैं। तो इतने बैटर में आपके 6 से 7 घेवर बन जाएंगे। तो ये देखिए वाओ, तो जो घेवर है उसमें घेवर का बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर घेवर सही से नहीं बना, उसकी जाली सही से नहीं बनी तो सब बेकार है। तो अब ये इसमें हम जो चाशनी बनाए थे उसको ऊपर से डालेंगे। आप बिना रबड़ी के भी घेवर खा सकते हैं केवल चाशनी के साथ। तो ये देखिए यमी वाली जो रबड़ी है ना वो तैयार है उस पर लगने के लिए। तो यहाँ पर हमने उसको स्पून की मदद से पूरे घेवर में अच्छे से लगा दिया, बहुत ही टेस्टी लगती है। और चाशनी जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि घेवर वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने सारा जो रबड़ी है ना उसको तला दिया और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल के डेकोरेट कर दीजिए। अब आपके पास अगर चांदी की बर्क है तो वो भी इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये देखने में खाने में बहुत ही यमी लगेगी।
कटोरा आप किसी भी साइज का छोटा बड़ा किसी भी तरीके से बनाइए अपने घर में, और ये रक्षाबंधन और तीज के त्यौहार में अपने घर में ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और जिस तरीके से मैंने किया है उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको बहुत ही यमी घेवर बन के तैयार मिलेगा। कुछ बातें ध्यान में रख के अगर घेवर बनाएं, ये जो बैटर है वो पतला रहेगा और चिल रहेगा, और जो घी है वो हाई फ्लेम पे तेज रहेगी, और घेवर ऊपर से डालना है, और इसको झाग हटने पे आप धीरे धीरे बैटर डालते जाएंगे तो बहुत ही जालीदार घेवर बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल जाए। Enjoy! Bye-bye!